नमस्कार किसान भाइयों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ट्रैक्टर को सुबह के वक्त पहली बार चालू करते वक्त क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे हमारे ट्रैक्टर के इंजन के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े। तो गाइस, सुबह सुबह ट्रैक्टर का इंजन एकदम कोल्ड होता है, ठंडी की वजह से ट्रैक्टर का इंजन ऑयल होता है वो पूरा नीचे चला जाता है, और जब हम ट्रैक्टर को पहली बार चालू करते हैं, सेल्फ लगाते हैं, तो हमारा ट्रैक्टर का इंजन पूरा कोल्ड होता है। तो इसलिए हमें ट्रैक्टर को चालू करने के बाद 5 मिनट तक ट्रैक्टर को ऐसे ही बिना रेस दिए हुए चालू रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे ट्रैक्टर का इंजन अपनी पूरी पूरी मैक्सिमम हीट नहीं पकड़ लेता, तब तक ट्रैक्टर का इंजन को चालू रखना चाहिए। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जल्दी में ही ट्रैक्टर के इंजन को चालू करने के बाद चलने लगते हैं, तो उससे होता क्या है कि हमारे ट्रैक्टर का इंजन अपनी हीट नहीं पकड़ पाता और धुआं दिखाने लगता है। कुछ लोगों ने देखा होगा कि सुबह के वक्त थोड़ा सा धुआं निकलता है ट्रैक्टर के साइलेंसर के अंदर से, तो ऐसा इसलिए होता है, हमारे ट्रैक्टर का इंजन पूरी गर्मी में नहीं आता। थोड़ी देर के बाद मैं आपको ट्रैक्टर को चालू करके भी दिखाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा कि ट्रैक्टर चालू करने के बाद पहले अपनी इंजन की आवाज़ थोड़ी सी अलग होती है और 2-3 मिनट के बाद आवाज़ अपने आप चेंज हो जाती है। तो गाइस, ये जो सादे वाले इंजन है उसमें रेस अपने आप नहीं बढ़ती। CRDI इंजन में ट्रैक्टर हम जब सुबह पे चालू करते हैं तो अपने आप इंजन अपनी रेस बढ़ा देता है जिससे ट्रैक्टर को पूरी हीट मिल जाए, और हमारे ये वाले जो इंजन आते हैं सादे वाले उसमें ऐसा नहीं होता। तो गाइस, ये जो बात है वो सभी ट्रैक्टर के ऊपर लागू पड़ती है, चाहे आपका किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर हो और किसी भी कंपनी का बाइक, मोटरसाइकिल, कार, कोई भी इंजन हो उसमें ये बात लागू पड़ती है। तो देखो, अभी मैं ट्रैक्टर को चालू करने वाला हूँ और अभी आप देखना कि ट्रैक्टर चालू करने के बाद तुरंत अपनी रेस है वो कैसी रहती है और थोड़ी देर के बाद ट्रैक्टर की आवाज़ कैसी रहती है। तो देखिए, ये जो हंटिंग होती है वो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी। तो गाइस, आपने देखा कि ट्रैक्टर चालू करने के बाद तुरंत थोड़ी सी हंटिंग दे रहा था और उसके बाद धीरे धीरे ट्रैक्टर अपनी रेगुलर आवाज़ में आ गया है, और थोड़ी देर चालू रहने के बाद ही हमें ट्रैक्टर को आगे जाने देना चाहिए। और गाइस, दूसरी एक बात ये है कि ट्रैक्टर को सुबह सुबह ठंड में चालू करने के बाद पूरी एकदम से रेस नहीं देनी है, ट्रैक्टर को स्लो रेस में ही थोड़ी देर चालू रखना है और उसके बाद 10 या 12 15 रेस तक ही चलाना है। कई किसान भाई क्या करते हैं कि फुल रेस चला कर ट्रैक्टर को फुल रेस में चलाते हैं और उसके बाद ट्रैक्टर के इंजन पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं तब ट्रैक्टर के इंजन के अंदर पूरा ऑयल घूमने नहीं लगता। थोड़ी देर के बाद ट्रैक्टर के सभी पुर्जों में इंजन ऑयल पहुंचता है, तो ट्रैक्टर को चालू करने के बाद 2-3 मिनट चालू रखना चाहिए, तो हमारे ट्रैक्टर के इंजन के अंदर पूरा ऑयल ट्रैक्टर के सभी पुर्जों को लुब्रिकेंट करता है। तो गाइस, ये थी छोटी सी जानकारी, लगभग सभी किसान भाइयों को पता होनी चाहिए ऐसी छोटी छोटी बातें, और इससे कुछ सीखने को मिला हो आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।